नमस्कार, स्टडी जोन चैनल पर आज स्वीकार स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी जोन और स्टडी जोन गवर्नमेंट जॉब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि आप हमारे नई वीडियोज़ के अपडेट जल्द से जल्द पा सकें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको हरियाणा करंट अफेयर्स मार्च 2018 के क्वेश्चन करवाऊँगा। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय चेन्नई से कहाँ स्थानांतरित किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय चेन्नई से हरियाणा के बल्लभगढ़ में स्थानांतरित किया गया है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक वैधानिक सलाहकार निकाय है जो 1962 में पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 के तहत स्थापित है। यह पशु कल्याण के मामले पर भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सलाह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल महिला वर्ग में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने गोल्ड जीता? तो इसमें आंसर आएगा, ISSF वर्ल्ड कप में हरियाणा की मन्नू भाकर ने गोल्ड जीता। मन्नू भाकर 16 साल की है और इनका संबंध हरियाणा के झज्जर जिले के गोरिया गांव से है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मन्नू भाकर का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो इसमें आंसर आएगा, झज्जर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पालतू पशुओं को आवारा छोड़ने वालों पर सरकार ने कितने रुपए तक जुर्माना राशि तय की है? तो इसमें आंसर आएगा, पालतू पशुओं को आवारा छोड़ने पर सरकार ने 5,000 रुपये तक जुर्माना राशि तय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिपोर्ट को निपटाने के लिए डिजिटलीकरण कार्य प्रणाली के तहत बेहतरीन काम करने पर किस जिले को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो इसमें आंसर आएगा, हरियाणा राज्य में प्रथम पुरस्कार मिला है गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट को। इसके अलावा सेकंड पुरस्कार मिला है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट को और थर्ड पर है कैथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य प्रतिभा खोज योजना के तहत हरियाणा में कुल कितने छात्रों का चयन किया गया है जिन्हें 1,500 रुपये प्रति मास स्कॉलरशिप दी जाएगी? तो इसमें आंसर आएगा, 1,000 छात्रों को सिलेक्ट किया गया जिनको 1,500 प्रति मास स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसमें हरियाणा बोर्ड के 500 जबकि अन्य बोर्ड के 500 बच्चे शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सबसे बड़े कृषि मेले के तीसरे संस्करण का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसमें आंसर आएगा, देश के सबसे बड़े कृषि मेले के तीसरे संस्करण का शुभारंभ हरियाणा के रोहतक जिले में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन इंडिया ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हरियाणा के किस जिले में 22वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ? तो इसमें आंसर आएगा, हरियाणा के फरीदाबाद स्थित सरोदय अस्पताल में 22वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लाख रुपए की इनामी राशि के साथ दिए जाने वाले प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित कल्पना चावला अवार्ड के लिए इस बार किसको चुना गया है? तो इसमें आंसर आएगा, कल्पना चावला अवार्ड के लिए इस बार अनीता कुंडू को चुना गया है। अनीता कुंडू माउंट एवरेस्ट को नेपाल और चीन दोनों तरफ से फतह करने वाली भारत की पहली महिला माउंटेनियर है। यह अवार्ड चंडीगढ़ में महिला दिवस पर दिया जाएगा। महिला दिवस 8 मार्च को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को राष्ट्रपति भवन में होने वाले नारी शक्ति पुरस्कार वितरण समारोह में लिंगानुपात सुधार पर हरियाणा के किस जिले को जगह मिली है? तो इसमें आंसर आएगा, लिंगानुपात सुधार पर हरियाणा के झज्जर जिले को जगह मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वीं फेडरेशन कप राष्ट्रीय सीनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने के साथ हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम्स का टिकट हासिल किया है? तो इसमें आंसर आएगा, हरियाणा के सिद्धार्थ यादव ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए टिकट हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने कितने करोड़ का बजट पेश किया है? तो इसमें आंसर आएगा, हरियाणा सरकार ने 1,15,198 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के अधिकारियों को ट्रेनिंग देने वाले प्रतिष्ठित संस्थान ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जो कि चेन्नई में स्थित है, के इतिहास में पहली बार किन दो महिला कैडेट्स ने शीर्ष सम्मान जीता है? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा की प्रीति चौधरी और वृत्ति ने शीर्ष सम्मान जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मई से 10 मई तक होने वाले एग्रीटेक सम्मेलन में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल किस देश की यात्रा पर जाएंगे? तो इसमें आंसर आएगा एग्रीटेक सम्मेलन में शिरकत करने के लिए मनोहर लाल खट्टर इसराइल जाएंगे। देश भर में इसराइल के 30 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चल रहे हैं, जिनमें से 5 सेंटर अकेले हरियाणा प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा और ऑडिट काडर का पुनर्गठन करने वह एक नई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की स्थापना करने का निर्णय लिया है, इसका क्या नाम रखा गया है? तो इसमें आंसर आएगा इसका नाम हरियाणा स्टेट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF के राइफल पिस्टल शॉटगन विश्व कप में मेडल टेबल में पहला स्थान हासिल किया है। भारत ने इस विश्व कप में कुल कितने मेडल जीते? तो इसमें आंसर आएगा भारत ने कुल 9 मेडल जीते, जिसमें 4 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 4 कांस्य है। हरियाणा के झज्जर जिले की मन्नू भाकर ने भी इसमें गोल्ड मेडल जीता है। ऐसा पहली बार है जब भारत ने ISSF के किसी टूर्नामेंट में पद तालिका में शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने सरसों खरीद पर बोनस सहित न्यूनतम समर्थन मूल्य या MSP देने का फैसला किया है, यह कितना तय किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा सरकार ने सरसों की खरीद पर 4,000 रुपये प्रति क्विंटल MSP देने का फैसला किया है, इसमें 100 रुपये बोनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों व एकमात्र हेल्थ यूनिवर्सिटी में डॉक्टरों के लिए प्रदेश के मेडिकल एजुकेशन व रिसर्च डिपार्टमेंट ने क्या फरमान सुनाया है? तो इसमें आंसर आएगा डॉक्टरों के अवकाश का समय उनके अनुभव में नहीं जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद अब हरियाणा में भी कितने साल से कम उम्र की लड़कियों से रेप के दोषियों को फांसी की सजा के प्रावधान वाला बिल पास हो गया है? तो इसमें आंसर आएगा 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर के इम्फाल में 8 से 11 मार्च तक हुई 3 दिवसीय नेशनल दिव्यांग तलवारबाजी प्रतियोगिता में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने 3 गोल्ड मेडल जीते? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा की रेखा तंवर ने, जिसका संबंध गांव खजूर का जिला फरीदाबाद से है, ने 3 गोल्ड मेडल जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किसानों की फसल लागत कम करने तथा उनके लाभ को बढ़ाने वह 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना करने के लिए कौन सा प्राधिकरण बना दिया है? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा सरकार ने हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने अधिनियम 2016 में संशोधन करके स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसमें आंसर आएगा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस छात्र ने सेकंड लेवल के इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड में 100% अंक प्राप्त कर हरियाणा राज्य में और ओवरऑल ओलंपियाड में पहला स्थान प्राप्त किया? तो इसमें आंसर आएगा पीयूष अग्रवाल ने। पीयूष अग्रवाल रावल इंटरनेशनल स्कूल, जो कि सोना रोड पर स्थित है, के 11वीं क्लास के छात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय वुशु प्रतियोगिता में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने 3रा स्थान हासिल किया? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा के खुशविंदर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा निदेशालय ने सरकारी और एडेड कॉलेजों को पासपोर्ट संबंधी क्या आदेश दिए हैं? तो इसमें आंसर आएगा उच्च शिक्षा निदेशालय ने सरकारी और एडेड कॉलेजों को छात्रों का पासपोर्ट बनवाने में मदद करने का आदेश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने अंत्योदय आहार योजना के तहत
कितनी अनुदानित कैंटीन खोली? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा सरकार ने 4 कैंटीन खोली। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कैंटीन कहाँ पर खोली गई है, तो इसमें आंसर आएगा फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार और यमुनानगर में ये कैंटीन खोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने माइक्रो सिंचाई या ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए किस परियोजना का कार्यान्वयन शुरू किया है? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा सरकार ने एक विशेष सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को शुरू किया है। माइक्रो सिंचाई की मदद से पानी को धीरे धीरे पौधों की जड़ तक पहुंचाया जाता है और इससे पानी को बचाने में भी मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक गायक के नाम पर सोनीपत में यूनिवर्सिटी बनेगी? तो इसमें आंसर आएगा पंडित लक्ष्मीचंद के नाम पर सोनीपत में यूनिवर्सिटी बनेगी। पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर के नाम से यह यूनिवर्सिटी बनेगी। यह यूनिवर्सिटी सोनीपत के अटेरना गांव में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की डॉक्टर अनिता भारद्वाज को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो इसमें आंसर आएगा इनका संबंध हरियाणा के झज्जर जिले के गांव खरर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली बस का परीक्षण कहाँ शुरू किया? तो इसमें आंसर आएगा हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली बस का परीक्षण फरीदाबाद से शुरू किया गया। इसका उद्घाटन भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर आर चिदम्बरम ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजेंड ऑफ इंडिया अवार्ड 2018 से किसको सम्मानित किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा लीजेंड ऑफ इंडिया अवार्ड 2018 से अनिल मोरवाल और सुरेंद्र मोरवाल को सम्मानित किया गया है। ये दोनों चित्रकार हैं और इनका संबंध हरियाणा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में यदि किसी श्रमिक का बच्चा बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करेगा तो उसे श्रम कल्याण बोर्ड कितना पुरस्कार देगा? यह पुरस्कार राशि कितनी है वह किन बच्चों को दी जाएगी? तो इसमें आंसर आएगा 90% या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले को 51,000 रुपये दिए जाएंगे, 80% अंक हासिल करने वाले बच्चों को 41,000, 70% अंक हासिल करने वाले बच्चों को 31,000 और 60% अंक हासिल करने वाले बच्चों को 21,000 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के जमशेदपुर में भारत सरकार द्वारा आयोजित इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन प्रतियोगिता में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा के हथीन निवासी कुलदीप शर्मा ने सिल्वर मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित हुई FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर फ्री पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता? तो इसमें आंसर आएगा अंतर्राष्ट्रीय शूटर अनमोल जैन ने। अनमोल जैन का संबंध हरियाणा के बल्लभगढ़ से है। बल्लभगढ़ हरियाणा के फरीदाबाद जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में गरीबों के लिए चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाओं को एक छत के नीचे लेके आने के लिए तहसील, उपमंडल और जिला स्तर पर केंद्र खोले जाएंगे, इनका क्या नाम रखा जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा इनका नाम अंत्योदय केंद्र रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने हैफेड के उपभोक्ता उत्पादों की खुदरा बिक्री पर केंद्र सरकार, यूटी चंडीगढ़, सशस्त्र अर्धसैन्य बलों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, केंद्र और राज्य के वित्त पोषित विश्वविद्यालय, PSU बोर्ड और निगम के कर्मचारियों, हैफेड और सहकारी संघों के सदस्य, सहकारी समितियों के कर्मचारियों को कितने फीसदी छूट देने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा इनको 10% छूट देने की घोषणा की गई है। इनको अपना पहचान पत्र दिखाने पर हैफेड के उपभोक्ता उत्पादों चावल, खाद्य तेल, आटा, दाल आदि पर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को कौन कौन से कोर्स करवाने का फैसला लिया है? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा सरकार ने रिटेल, ब्यूटी एंड वेलनेस तथा IT स्किल का कोर्स करवाने का फैसला लिया है। यह कोर्स सत्र 2018-19 में ही शुरू होगा, जिसमें 9.4 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले चरण में राज्य के 100 सरकारी स्कूलों में इन कोर्सों को करवाया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के भिवानी में 3 दिन तक चले 1 करोड़ इनामी भारत केसरी दंगल 2018 का ओवरऑल चैंपियन कौन रहा? तो इसमें आंसर आएगा भारत केसरी दंगल 2018 का ओवरऑल चैंपियन रहा इंडियन रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला पैरालंपिक भवन बनाने का ऐलान किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा के फरीदाबाद में देश का पहला पैरालंपिक भवन बनाने का ऐलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआईआई उत्तरी क्षेत्र जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और चंडीगढ़ है, का चेयरमैन व डिप्टी चेयरमैन किसे चुना गया है? तो इसमें आंसर आएगा सचिन जैन को चेयरमैन व समीर गुप्ता को डिप्टी चेयरमैन चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार डेटा की सुरक्षा को लेकर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच के सामने जिस बिल्डिंग का जिक्र किया था वह कहाँ पर स्थित है? तो इसमें आंसर आएगा यह हरियाणा के मानेसर में स्थित है, यह UIDAI सेंट्रल आइडेंटिटीज डाटा रिप्रोजिटरी कॉम्प्लेक्स में स्थित है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही स्टडी जोन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टडी जोन के साथ साथ स्टडी जोन गवर्नमेंट जॉब्स चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पा सकें। आप यूट्यूब के साथ साथ हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।